टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सीटेट का बैच प्रारंभ किया हूं। कल जो है हमने एक आधार पर बात किया था, यानी जो हिंदी का आधार है उस पर हमने आपसे चर्चा की थी और उसमें हमने अक्षर माला के स्वर पार्ट पर आपसे बात किया था। तो स्वर पार्ट अभी पूरा नहीं हुआ था, तो आगे उसी क्रम में हम क्या करते हैं, आगे इसको लेकर के चलते हैं। आप मैंने स्वर के बारे में जिक्र किया, स्वर कल मैंने आपसे पहले आधारों पर बात किया था और वह आधार था मात्रा के आधार पर या उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर का मैंने विभाजन किया था। इसके आधार पर मैंने विभाजन किया जिसमें ह्रस्व स्वर बताए थे, दीर्घ स्वर बताया था, प्लुत स्वर बताया था, इस रूप में हमने विभाजन किया था। आगे आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं, यानी स्वरों का ये जो भेद है उसको हम देखते हैं। विभिन्न आयाम है, इस भिन्न भिन्न आयामों पर हम देखें तो पहला तो हम मात्राओं के आधार पर यहां पर बात कर लिए थे। अब इसके बाद से हम जो बात करेंगे ओष्ठाकृत के आधार पर हम बात करेंगे। किसके आधार पर? ओष्ठाकृत के आधार पर। ओष्ठाकृत मतलब ओठ की आकृति, ओठ की आकृति के आधार पर हम बात करेंगे। विद्यार्थियों, विभाजन भिन्न भिन्न है, हम ये चाहते हैं कि आपको समग्रता में सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाएं और जो टॉपिक उठाया जाए वो टॉपिक क्लियर हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल चल रहा हूं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इस आधार पर मैं इसको बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। ये कह रहे हैं जो विभाजन है वह ओठ की आकृति, जैसा नाम है ओष्ठाकृत, ओष्ठ मतलब ओठ, तो ओठ की आकृति के आधार पर स्वर कैसे होते हैं। अब इसको जो है ओठ की आकृति के आधार पर हमने दो भागों में इसका विभाजन कर दिया। पहला जो विभाजन किया यह वर्तुल यानी वर्तुलाकार के रूप में विभाजन किया और दूसरा जो विभाजन किया अवर्तुलाकार के रूप में विभाजन किया, यानी यहां पर इसी को वर्तुलाकार को ही हम वृत्ताकार के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर वृत्ताकार और यहां पर क्या हो जाएगा, अवृत्ताकार हो जाएगा। इस रूप में जो विभाजन होता है तो वर्तुल मतलब क्या होता है, वर्तुल मतलब होता है गोला, वृत्त मतलब क्या होता है गोला। तो जब हमारी ओठ की आकृति गोल हो जाए, यानी हम जो है बोलते हैं उस बोलने में हमारी ओठ की आकृति जो बनावट है वह बनावट कैसी हो जाए, गोल हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्तुल आकार। यानी इसमें दीर्घ स्वर संधि हो रही है, वर्तुल आकार यानी वर्तुलाकार या वृत्त के आकार का हो जाए तो उसे हम वृत्ताकार या वर्तुलाकार स्वर के नाम से जानते हैं। दूसरे कंडीशन पर हम आते हैं तो कहते हैं अवर्तुलाकार या अवृत्ताकार, यानी वर्तुल के आकार का न बने या वृत्त के आकार का न बने। तो इस रूप में हम क्या करते हैं, जानते हैं, यानी जो हम स्वर बोलें ऐसा स्वर बोलें कि जिसमें वृत्त का आकार बन जाए और ऐसा स्वर बोलें जिसमें वृत्त का आकार न बने, तो उसे हम वर्तुलाकार और अवर्तुलाकार के रूप में जानते हैं। यहां पर हम आपको समय यूं ही जाया ना करें, इसलिए मैं आपको यहां पर आपकी आसानी के लिए
कि चूंकि आपके ज्यादा डेटा लगते हैं, इस आधार पर मैंने सोचा जो लिखने वाली बात है पहले लिख लिया जाए, और जो लिखने और समझाने वाली बात है वो दोनों साथ साथ चलेगी। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर जो विभाजन है मैंने ये किया है, पहला जो विभाजन था मात्रा या उच्चारण के आधार पर मैंने आपसे बता चुका हूं, ओष्ठाकृति के आधार पर हम वृत्ताकार और वर्तुलाकार के रूप में देख रहे हैं। तो मैंने ये बताया जो वृत्ताकार या वर्तुलाकार है इसमें उ, उ, ओ, ओ। अगर आप बोलिए अपने स्वयं से देखिए उ बोलते हैं, तो उ जब बोलते हैं तो आपकी जो ओठ की आकृति है, जो ओष्ठ की आकृति है, वह क्या हो जाती है? गोल हो जाती है, वह वृत्त का रूप ले लेती है, वह वर्तुल का रूप ले लेती है, इसलिए इसे वृत्ताकार या हम वर्तुलाकार कहते हैं। इसमें चार स्वर शामिल होते हैं, उ को शामिल किया जाता है उ को, ओ को शामिल किया जाता है और ओ को शामिल किया जाता है। इसके बाद से यहां पर इसका जो विभाजन होता है वह अवृत्ताकार के रूप में होता है या अवर्तुलाकार के रूप में होता है। तो यहां पर देखिए अवृत्ताकार, अवृत्ता दूसरा अवृत्ताकार, अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार। यहां पर देखिए यानी ऐसा अ को बोलते हैं तो वृत्त की यानी हमारे जो ओठ होते हैं वह वृत्त के रूप में नहीं बनते हैं, आ ई ई री ए ऐ। तो ये जो हैं इसके उच्चारण में हमारे जो ओष्ठ की आकृति है वो वृत्त की तरह नहीं बनती है, इसलिए अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार इसको हम कहते हैं। यह ध्यान रहे आपको कि जो स्वर होते हैं वह 11 होते हैं, मैं कल भी आपसे इस पर चर्चा किया था। हर जो भी हम विभाजन करेंगे उसी 11 में से ही हम विभाजन करेंगे, अलग हम विभाजन नहीं करेंगे, यानी उन्हीं स्वरों को भिन्न भिन्न रूपों में भी क्या किया जाता है, बोला जाता है, उसके अलग अलग नाम होते हैं परिस्थितियों के आधार पर। तो यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात यहां हो गए, सात आठ नौ दस ग्यारह, टोटल कितने हो गए? 11 आपके हो जाते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर भी। लेकिन यहां पर जब हम वृत्ताकार और अवृत्ताकार में विभाजित करते हैं तो 4 आपके वृत्ताकार में और 7 आपके अवृत्ताकार में विभाजित हो जाते हैं, यानी एक जो विभाजन दूसरा विभाजन ये होता है। अब हम तीसरे विभाजन पर चलते हैं, तो तीसरे विभाजन पर जब हम चलते हैं तो यह कह रहे हैं मुखाकृति के आधार पर इसका विभाजन होता है, मुखाकृति के आधार पर विभाजन। तो मुखाकृति के आधार पर जो विभाजन होता है वह 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? संवृत्त स्वर होते हैं, अर्ध संवृत्त स्वर होते हैं, विवृत स्वर होते हैं और अर्ध विवृत स्वर होते हैं। यानी मुख की आकृति के आधार पर जो है इसको स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। संवृत मतलब होता है बंद होना और विवृत मतलब होता है खुला होना, यानी क्लोज और ओपन की बात यहां की जा रही है। देखिए आपको यहां बंद से तात्पर्य यह नहीं है, आप तो जब बोलेंगे तो कहेंगे सर ऐसा नहीं है मैं ई ई री ऊ ऊ ए ओ बोल रहा हूं तो एकदम बंद हो जा रहा है। पूरा हमारा यहां तात्विक भेद है, ये तात्विक भेदों को हम बता रहे हैं। जैसे मैं कल भी आपसे बात किया था कि हर एक वर्ण की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी पर हम क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। तो ये नहीं है कि अब जो है हम ई को बोलेंगे तो पूरा हमारा मुख जो है बंद होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वनस्पति अन्य वर्णों की तुलना में हम देखते हैं, क्योंकि मैं बता क्यों रहा हूं आपको, इसलिए इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं
कि यह एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाता है इसलिए, और आपको बताना भी है, उसका उत्तर भी बताना है, आपको जानकारी भी होनी चाहिए, इसलिए इस पर मैं बात कर रहा हूं। तो आइए, संवृत मतलब होता है खुला, सॉरी संवृत मतलब होता है बंद और विवृत मतलब होता है खुला। तो संवृत स्वर के अंतर्गत यह पांच स्वरों को शामिल किया जाता है। ई को शामिल किया जाता है, बड़ी ई को शामिल, री को, ऊ को और ऊ को शामिल किया जाता है, यानी इन पांच स्वरों को हम संवृत स्वर के नाम से जानते हैं। बहुत सारे विद्वान या बहुत जो मानकीकरण की किताबें नहीं है उसमें आप री नहीं पाएंगे, केवल ई ई उ उ पाएंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए, स्वर है तो 11 विभाजन होने चाहिए। आप कहीं पर अगर पढ़िएगा तो देखिएगा क्या री कहां वो लोग ले जा रहे हैं, वो लोग री को छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ लोग री को स्वर नहीं मानते हैं। मैं संधि पढ़ाऊंगा तो जो लोग नहीं मानते हैं उनसे क्वेश्चन करूंगा, उनसे प्रश्न पूछूंगा कि आखिर री स्वर कैसे नहीं है, हम संधि कैसे निर्माण कर रहे हैं वहां पर, अब इसका हम क्या करें। तो उसकी बात अलग हम करते हैं, यहां पर बताते हैं आपको ये जो है पांच जो स्वर हैं आपके संवृत्त के अंतर्गत शामिल होंगे। दूसरे पर हम आते हैं, अर्ध संवृत्त पर। अर्ध संवृत्त का होता अर्थ होता है आधा बंद। तो आधा बंद में जो आएंगे वह ए को और ओ को शामिल किया जाएगा, यानी ए को और ओ को अर्ध संवृत्त के अंतर्गत शामिल करते हैं। अगर हम काउंट करते चलते हैं तो यह कितना है पांच, और यह अर्ध संवृत्त कितना है धन दो, यहां हो गया। अब इसके बाद आते हैं विवृत स्वर। विवृत मतलब होता है खुला, यानी जब हम आ बोलते हैं तो मुख की आकृति क्या हो जाती है, खुल जाती है, इसलिए इसको हम विवृत स्वर के अंतर्गत रखते हैं। तो विवृत के अंतर्गत आ को शामिल किया जाता है, यानी यहां पर धन एक और जोड़ दिया जाए। इसके अलावा अर्ध विवृत है यानी आधा खुला हुआ, तो इसमें अ ए औ को शामिल किया जाता है, यानी यहां पर क्या हो गया, तीन हो गया, जोड़ दीजिए, पांच दो सात एक आठ तीन 11, यानी टोटल स्वरों की संख्या कितनी है 11 है। तो इस आधार पर यानी मुख की आकृति के आधार पर भी स्वरों का विभाजन होता है। यहां पर ये बात देखिए, आपको याद कैसे रहेगा, इसमें क्या होता है कभी कभी आप लोग अभी और स्वरों का जो विभाजन बताएंगे उस आधार पर कभी कभी भूल जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पूरा अगर एग्जाम में जाइए और थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो पूरे स्वर को आप लिख लीजिए, यानी पूरे स्वर को जब आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, इतना तो याद होगा कि अ है, आ है, ई बड़ी ई, री, सॉरी ऊ होता है इसके बाद, ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, यही तक हम आते हैं। अभी अंग और अह के बारे में बात करते हैं, यहां पर हम स्वरों के बारे में बात करते हैं। तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस 11 स्वर आपके हो गए। अब यहां पर देखिए कोई एक आप याद कर लीजिए इसमें से, या तो संवृत का याद कर लीजिए, संवृत और अर्ध संवृत, या तो विवृत या अर्ध विवृत का याद कर लीजिए। तो दोनों में से, चारों में से दो को आपको याद करना है, जो आपको आसान लगे वह आप याद कर लीजिए। मान लीजिए कि मैं ऊपर वाला ही लेता हूं, संवृत और अर्ध संवृत को ही लेता हूं। मान लीजिए संवृत में ई ई री ऊ ऊ शामिल होते हैं, तो पहली चीज ये जानिए कि कौन कौन से संवृत में शामिल होते हैं, ई एक, बड़ी ई दो, री तीन, ऊ और ऊ चार। अब यहां से यहां तक ये क्या हो जाते हैं, ये संवृत्त स्वर में शामिल हो जाते हैं, यही तो है। तो आप अ आ को छोड़ दीजिए,
और ए से छोड़ दीजिए, यानी ई से लेकर के री तक कहां समृत्त स्वर में शामिल हो गए। अब दूसरा हम निकाल देते हैं ए और ओ को, यानी इसमें जो है जो संयुक्त स्वर पढ़े हैं उन संयुक्त में से ए का एक और ओ का एक आपको निकाल लेना है, यानी ए को निकाल दीजिए और ओ को निकाल दीजिए, यानी यहां पर दो को निकाल देंगे तो समृत और अर्ध समृत आपका निकल जाएगा। विवृत में कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, आ ऑलरेडी विवृत है इसलिए वो निकल गया। अब आ यहां से निकल गया, अब जो है अर्ध समृत में जो बचा वही हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यह आ विवृत में निकल जाएगा तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, अर्ध विवृत हो जाएगा। तो कुछ इस आधारों पर भी आप दो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। यहां पर आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक अर्ध विवृत में शामिल किया जाता है, एक होता है आगत स्वर, यानी उसको हम विदेशी स्वर भी कहते हैं, जो आ के रूप में होता है। किस रूप में होता है, वह आ के रूप में होता है, यानी इस प्रकार से होता है, अर्ध चंद्र लगा होता है आ। जैसे अंग्रेजी का आप लिखते हैं बॉश लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, बी ओ लिखते हैं, बी ओ बॉश लिखते हैं। अगर आपने क्या लिखा, डॉक्टर लिखा, डी ओ सी टी ओ आर लिखे थे हैं, यानी यहां पर जो है, अब तो जब हम डॉक्टर लिखते हैं तो प्रोनंसिएशन जो हिंदी में हो रहा है वह ओ और अ के बीच का हो रहा है। हम डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं, हम डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं, हम डॉक्टर बोल रहे हैं। तो डॉक्टर जब बोल रहे हैं तो डा में ऐसा आकृत बन रही है कि वह बीच की आकृत बन रही है, जो यह आगत स्वर या विदेशी स्वर के नाम से इसको हम जानते हैं। तो अगर कभी ये पूछा जाए कि कौन से स्वर आगत हैं या कौन से स्वर विदेशी हैं, कौन से स्वर बाहरी हैं, तो आप कौन से आ को बता देंगे, आपके मूल स्वरों में वो शामिल नहीं होते हैं, यानी जो हिंदी देवनागरी की, हिंदी देवनागरी के स्वर हैं इसमें इसको शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त यानी मुखाकृति के आधार पर हमने विभाजन कर दिया, अब हम विभाजन करेंगे जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर हम विभाजन करेंगे। तो जिह्वा के आधार पर जो हमारा विभाजन होगा वह कितने प्रकार का होगा, तीन प्रकार का होगा, अग्रस्वर होगा, मध्यस्वर होगा और पश्चस्वर होगा। इसमें थोड़ी सी हम ये जानते हैं कि थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा याद करने में, लेकिन कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है, 11 स्वर को आप किसी भी रूप में विभाजन करिए, आपको 11 स्वर को ही विभाजन करना है, और थोड़ा सा आप अपने स्तर से जो भी निमोनिक्स बना सकते हैं या जो भी आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप पूर्णता की तरफ जाएंगे। तो वैसे भी बिन अभ्यास विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या जो होती है वो विष के समान हो जाती है, इसलिए जो है आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा तो आपको बातें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। तो अग्रस्वर कह रहे हैं कि यहां पर देखिए जिह्वा के आधार, जिह्वा मतलब क्या होता है, जीभ होता है। अब जीभ के आधार पर हमारे स्वरों का विभाजन हो गया है, तो जीभ के आधार पर कैसे हुआ, तीन भागों में। अब ये कह रहे हैं कि एक होता है अग्रस्वर, अग्रस्वर जो होता है यानी कह रहे हैं कि जिस स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है उसे हम अग्रस्वर के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत ई को, बड़ी ई को, री को, ए को और ए को शामिल किया जाता है। दूसरा कह रहे हैं कि ये मध्य स्वर होता है, तो मध्य स्वर में क्या होगा, अगर हम परिभाषा पर बात करें तो जीभ का मध्य भाग सक्रिय होता है। इसको हम अन्य बद्धित करते हैं तो जिस स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग सक्रिय हो उसे हम मध्य स्वर के नाम से जानते हैं, इसमें जो शामिल करते हैं वह अ को शामिल किया जाता है।
इसके बाद आते हैं पश्च स्वर पर आते हैं, यानी अब तो परिभाषा आप बता सकते हैं पश्च स्वर का, कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च यानी पिछला भाग सक्रिय हो उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। आप कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत जब इतने निकल गए, अ निकल गया, ई ई री ए ऐ निकल गए, बाकी जो बचा वो क्या हो जाते हैं, पश्च स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं, आ उ उ ओ और ओ, ये क्या हो जाते हैं, ये पश्च स्वर हो जाते हैं। यानी जीभ के आधार पर आपके ये विभाजन हो जाते हैं। अब यहां पर ये देखा जाए कि ये तो विभाजन हमारे हो जाते हैं, अब हम टोटल को देख लेते हैं कि यहां पर कैसा, यानी टोटल को हम एक बार यहां पर दर्शन कर लेते हैं। आपको करना क्या है, आप देखे शॉर्ट स्क्रीन लेना कोई उपाय नहीं है मेरे अनुसार, आपको वीडियो को पॉज करना होगा, पॉज करके आपको नोट्स बनाना होगा, तो संभवतः आप जो है साथ साथ मेरे ही साथ साथ आपका एक नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो आप कितने शॉर्ट स्क्रीन लेते रहेंगे, पूरे शॉर्ट स्क्रीन में आपका शॉर्ट स्क्रीन आ जाएगा। हिंदी का अलग शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, मैथ का अलग लेंगे, साइंस का अलग लेंगे, रीजनिंग का अलग लेंगे, तमाम जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सभी सब्जेक्ट के आप शॉर्ट स्क्रीन लेते रहेंगे और वह क्या हो जाएगा, एक ही में मिक्स हो जाएगा। तो मेरे अनुसार आप एक बार ही मेहनत करिए, लेकिन सही तरीके से करिए। वह यह है कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो हमारे साथ साथ आप बनाते हुए चलिए। हो सकता है कि यह जितने भी 40 मिनट का अगर होता है या 50 मिनट का होता है, हो सकता है कि आपको 40 मिनट के वीडियो का एक घंटा लगे या डेढ़ घंटा लगे। इसमें क्या होगा, आप पूरे के पूरे नोट्स आपके पास हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाकर के एक ही बार में कंप्लीट होगा। दूसरी बार आप जब मुझे सुनिए तो केवल एकदम फ्रिक्वेंटली सुनते हुए चले जाइए, आसानी से बातें आपको समझ में आ जाएंगी। नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन लेते रहेंगे और कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा सा आप मेहनत अपने स्तर से कर लीजिए। यहां पर देखिए मैं स्वर भेद की भिन्नायाम बताया हूं, अभी तक जो मैंने पढ़ाया उस पर बात किया हूं। तो पहला मैंने आपको पढ़ाया मात्रा या उच्चारण अवधि के आधार पर, जो मैंने कल पढ़ाया था, तो कल की वीडियो में आप देख लीजिएगा। यानी कि दूसरा मैंने पढ़ाया ओष्ठाकृति के आधार पर, अभी पढ़ाया हूं वर्तुल और अवर्तुल, यानी वृत्ताकार और अवृत्ताकार के रूप में पढ़ाया हूं दो भागों में। तीसरा मुखाकृति के आधार पर, यानी यहां पर मैं चार बताया हूं अभी जस्ट इसके पीछे, संवृत स्वर, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत, यह मुखाकृति के आधार पर। चौथा है जिह्वा के आधार पर, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर इस रूप में क्या होते हैं, यह पूरे के पूरे आपके स्वर आ जाते हैं। यानी ये जो स्वरों के भेद हैं, और अब यहां से स्वरों से इस प्रकार से भेद को लेकर के या अन्य कोई क्वेश्चन आपको पूछने वाला नहीं है, और पूछेगा तो उस क्वेश्चन पर भी हम कुछ बात कर लेते हैं आपके साथ ही। यानी यहां पर देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न आता है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के कितने भेद हैं, ऐसा है। तो यहां पर देखिए अब मैंने आपसे पूछा था, आपको अभी बताया हूं कि कितने भेद हैं ओष्ठाकृति के, ओठ की आकृति के आधार पर कितने हैं, चार हैं कि दो हैं कि तीन हैं कि ग्यारह हैं, कितने हैं, दो हैं। आंसर तो पता ही होगा, कौन कौन से, वर्तुल और अवर्तुल, या वृत्ताकार अवृत्ताकार। दूसरा मुखाकृति के आधार पर स्वर भेद, यानी कितने भेद हैं इसके, तो मुख की आकृति के आधार पर कितने हैं, आपके चार हैं, यानी यहां पर ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस आधार पर भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, यह भी पूछा जा सकता है कोई स्वर दे दिया जाए और पूछा जाए यह इसमें से कौन सा भेद नहीं है, यानी मान लीजिए कि उसमें ऑप्शन में ओष्ठाकृति का दे दिया जाए, तो ओष्ठाकृति से पूछा जाए
अब वो स्वर दे देते थे तो आपको क्या लगाना है। तो हमको अगर जानकारी है तो हम लगाएंगे, नहीं जानकारी है तो पुनः दिक्कत हो जाएगी। तो आशा ये होती है, मैं आशा यह करता हूं आपसे कि ये आप स्वर समझ गए होंगे। इसी के आगे हम चलते हैं, यानी इसके आगे हम चलते हैं तो देखते हैं। स्वर हमने पढ़ा, एक होता है स्वर संयोग, एक हेडिंग है स्वर संयोग, या इसी को हम कहते हैं स्वरानुक्रम। क्या कहते हैं? स्वरानुक्रम कहते हैं, यानी यह क्या होते हैं, स्वरानुक्रम क्या होते हैं या स्वर संयोग क्या होते हैं, आपको यह भी जानना चाहिए। अभी मैं पूछूं क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि आप क्या लगाते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन, मान लीजिए इसके इसको, और पूछा गया है निम्न शब्दों में किसमें स्वरानुक्रम है। पहला मान लीजिए लिखा गया है अमर, लिखा गया है ए ऑप्शन में अमर, बी ऑप्शन में लिखा गया सरल, सी ऑप्शन में लिखा गया आकलन, और डी ऑप्शन में लिखा आइए, ऐसा लिखा गया। अब इसमें पूछा गया है निम्न में से किस शब्द में स्वरानुक्रम है या किस शब्द में स्वर संयोग है। अब आप क्या करेंगे, तो पहली चीज इसको हम देख लेते हैं कि स्वरानुक्रम या स्वर शब्द क्या होते हैं। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर क्या होगा, आइए होगा। कैसे होगा, देखिए जब हम कोई कोई ऐसा स्वर लेते हैं, जब स्वरों का क्रम एक के बाद दूसरा आ जाता है, यानी जब दो स्वर कंटिन्यू आ जाते हैं, दो स्वर आ जाएं, दो से अधिक स्वर आ जाएं, तब उस शब्द को हम स्वरानुक्रम या स्वर संयोग कहते हैं। जब तक दो स्वर नहीं आएंगे तब तक वो स्वरानुक्रम नहीं होगा या स्वर संयोग नहीं होगा। जैसे अगर शब्द लिखा गया है आओ, अब इसमें ये देखिए कि आ भी स्वर है और ओ भी क्या है, स्वर है। अगर शब्द लिखा गया है आइए, लिखा गया है, तभी भी इसमें पहला स्वर और ये क्या हुआ, दूसरा स्वर। आइए को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आइए को ऐसे, यानी एक स्वर, दो स्वर और तीन स्वर। कौन से सही होंगे मैं बाद में बताऊंगा, इसको कैसे लिखने का पद्धत कैसे है हम उस पर बात करेंगे, अभी थोड़ा सा हम इस पर बात कर लेते हैं। तो यानी कि एक स्वर के बाद जब दूसरा स्वर आता है, यानी दो स्वर क्या होते हैं, साथ साथ आ जाते हैं, तो उसे हम स्वरानुक्रम या स्वर संयोग कहते हैं। अब संभवतः आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन यहां से कोई भी पूछा जाएगा तो आप क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। अब जो है हम आगे इसके बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एक जो स्वर के आगे के पार्ट है, जिसको हम बचपन से स्वर के रूप में पढ़ते आए हैं, वह क्या है जो बचपन से स्वर के रूप में पढ़ते आए हैं, उसे हम कहते हैं अयोगवा। बचपन में तो हमने या आप लोगों ने भी इसको स्वर के रूप में ही पढ़ा होगा, यानी इसमें कौन कौन से हैं, अन और अह, यह दो वर्ण ऐसे हैं जो क्या हैं, स्वर नहीं है। लेकिन बचपन में हम लोग स्वर ही पढ़े थे, अब थोड़े से बड़े हो गए हैं, परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमको विभाजन करना पड़ेगा, यानी उसके कुछ
सूक्ष्म चीजों पर जाना पड़ेगा। तो अयोगवाह के अंतर्गत अंग और अह को शामिल किए जाते हैं। डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने कहा यह योग है, यानी योग हो रहा है, मिलन हो रहा है। वाह मतलब चलने वाला, अ मतलब नहीं, जो योग हो और न चले, यानी योग न होने के बाद भी। डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी इसको बताते हैं, योग न होने के बाद भी जो साथ साथ चलता है उसे हम अयोगवाह कहते हैं। कुछ विद्वान इसको क्या कहते हैं, स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर मिश्रित व्यंजन भी इसको कहते हैं। अब क्यों स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं इसको भी देख लिया जाए। कह रहे हैं कि इनका जो उच्चारण होता है वह स्वरों के साथ भी होता है और व्यंजनों के साथ भी समान रूप से होता है, इसलिए इसे हम स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं। अब समान रूप से कैसे हो रहा है इसको हम देखें। देखिए, अंग और अह दो ऐसे यह वर्ण हैं जिसको हम जिसको इस रूप में, यानी कि हम जब भी लेखन का कार्य करते हैं उस लेखन के कार्य में आप ये कभी नहीं देखेंगे कि अंग का पूरा प्रयोग हुआ है, अह का पूरा प्रयोग हुआ है। जब भी इसका प्रयोग हुआ है वह आधा ही हुआ है, चाहे वह स्वर के साथ हुआ हो और चाहे वह व्यंजन के साथ हुआ हो। कैसे? अगर मान लीजिए आपने लिखा है हंस, लिखा है हंस, लिखा है, तो आप हंस कैसे लिख दिए? ऐसे लिख दिए। कभी आपने ये नहीं सोचा है कि हंस को हम क्यों नहीं ह लिखते हैं और अंश, हंस तो ऐसे लिखना चाहिए, होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं हो रहा है। बहुत करिए तो ऐसे कर दीजिए, नहीं हो रहा, नहीं लिख रहे हैं, और लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरी चीज, आप कोई भी शब्द ले सकते हैं, हम उस पर बात नहीं, हम केवल सिर्फ आपको समझाना चाहते हैं अंग और अह को क्यों स्वर मिश्रित व्यंजन और या क्यों अयोगवाह कहा जाता है। अब यहां पर इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यह जो अंग है यह अंग अपना पूरा मिलन नहीं करता है, न ही स्वरों के साथ मिलन करता है और न ही व्यंजनों के साथ मिलन करता है। यह मिलन करेगा किसका? केवल आधा का, यानी अपने अनुस्वार का मिलन करेगा, अपने बिंदु का मिलन करेगा। मैं अनुस्वार पढ़ाऊंगा, अनुनासिक पढ़ाऊंगा, निर्नुनासिक पढ़ाऊंगा, वहां पर भी जिक्र इसका करूंगा। यहां पर यह जो मिलन होगा वह कैसा होगा? आधा ही होगा। तो आधा चाहे वह स्वर के साथ मिल रहा है और चाहे वह व्यंजन के साथ मिल रहा है, उसका मिलन आधा ही हो रहा है। जैसे इसी प्रकार से क्या है, अह भी आधा ही मिलेगा। आप कभी लिखते हैं, मान लीजिए लिखते हैं अतः लिखते हैं, तो आप कभी अतः ऐसे लिखते हैं क्या? आप प्रातः लिखते हैं तो प्रातः लिखना तो क्या चाहिए? प्रातः ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन आप नहीं लिखते हैं और लिखेंगे भी तो गलत हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यह जो अह है यह भी अपना आधा ही मेल करता है, पूरा मेल नहीं करता है। तो जब पूरा मेल नहीं करेगा, यहां पर यह अनुस्वार लगेगा और यहां पर यह विसर्ग ही देता है किसी के साथ हो। जैसे अह लिखते हैं तो अह में ही यह विसर्ग ही अ के साथ ही यह है, ऐसा अलग नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपने अंक लिखा, अब आप ये सोच रहे हैं कि अंक में अंग मैं लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है। आपको दिखाई चुकी समानता क्या है, अंग है, ऐसे बना हुआ है, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि मैंने अंग लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम जो है पहले हम इसको जान लें, यह अ लिखते हैं,
और इसका हम क्या लेते हैं, यह बिंदु लेते हैं यानी अनुस्वार लेते हैं, और इसका जब हम अनुस्वार लेते हैं तो यह अंग का निर्माण हो जाता है। क्योंकि आकृति के आधार पर यह एक ही लगता है, इसलिए हम स्वाभाविकता स्वरूपता क्या समझ लेते हैं कि यही हम उठाकर रख लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर यही उठाकर रखते तो या तो हम व्यंजनों में इसको शामिल करते या तो स्वरों में शामिल करते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका सिर्फ हम आधा ही लेंगे, इसको बिंदु के रूप में हम काउंट करेंगे। जब पंचमाक्षर पढ़ेंगे तो वहां भी इसका आएगा, या जब हम आपको पढ़ाएंगे लेखन पद्धति पढ़ाएंगे तो वहां पर भी इसकी हम बात करेंगे। तो अब ये जो है इसका बिंदु लेकर अंग और क ऐसा है यहां पर हो गया। अगर मान लीजिए कंग लिखना है, आप कंगन लिखना है, तो यहां पर इसलिए आप इसको समझ जा रहे हैं क्योंकि यहां पर बिंदु मैल केवल ले रहा हूं, क की आकृति इस अ की तरह नहीं है, इसलिए आप यहां से ये समझ जा रहे हैं अच्छा ये बिंदु मैं ले लिया हूं। यहां पर इसलिए नहीं आप समझ पा रहे हैं कि अ की आकृति और इसकी आकृति एक ही तरह से है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये नहीं नहीं ये तो अंग ही मैं ले रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो स्वर के साथ यहां पर मैंने बताया, चाहे वह स्वर के साथ इसका मेल हो और चाहे व्यंजन के साथ इसका मेल हो, यह केवल अपना आधा अर्थ ही यानी बिंदु ही मिलेगा, इसलिए इसे स्वर के साथ और व्यंजन के साथ आधा ही मिलन के रूप को हम स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं। और इसे ही किशोरीदास वाजपेयी ने कहा कि ये अयोगवा है, ना ही ये स्वरों के साथ पूर्ण मिल रहा है और ना ही ये व्यंजनों के साथ पूर्ण मिल रहा है, बल्कि दोनों के साथ पूर्णतः मेल न होते हुए भी यह साथ साथ चल रहा है, इसलिए उन्होंने कहा यह क्या है, अयोगवा है, और इसके अंतर्गत दो वर्णों को उन्होंने रखा है। यहां पर अह की भी यही कंडीशन है, अह को आप इसलिए समझ जा रहे हैं कि यहां पर आसानी से आपको निकल जा रहा है, आपने प्रातः लिखा तो अब क्या हो गया, यहां पर सिर्फ इसका अह का हमने विसर्ग ले लिया, यानी इस रूपों में भी क्या है, इसको हम अयोगवाह के रूप में जानते हैं। तो दो वर्णों को, इन अंग और अह को न स्वर कहते हैं और न ही व्यंजन कहते हैं, बल्कि स्वर मिश्रित व्यंजन या इसको हम अयोगवाह कहते हैं। इसको अक्षरमाला में काउंट करेंगे या वर्णमाला में काउंट करेंगे तब हम पूरे वर्णों की संख्या आपको बताएंगे। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अयोगवाह के अंतर्गत कौन से शामिल होते हैं, दो शामिल होते हैं, अंग और अह, यानी दो वर्ण इसके अंतर्गत होते हैं। तो आशा करते हैं कि इतना आज आप लोग समझ लिए होंगे। अब इसके आगे हम व्यंजनों पर बात करेंगे, जो कब होगा, कल होगा। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद और जय हिंद।